ओम शांति। क्या देखा बाबा ने? प्यार कर लिया हमें या हमने उसको? धीरे बोल रहे, हमने कर लिया, दोनों ने किया। किसने ज्यादा किया? अच्छा, यही बात साकार में बाबा ने एक दिन पूछी, कौन ज़्यादा प्यार करता है, बच्चे या बाबा? सबने ऐसे एक साथ उत्तर दिया, बाबा, क्योंकि वो प्यार का सागर है। हमारा प्यार बट भी जाता है उसका, तो इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द है अनकंडीशनल प्यार, सब कोई प्यार करता है। जैसे माँ बाप अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं, बाबा भी सभी को प्यार करता है। संडे कब था? कल परसों? अच्छा, मुरली याद करो, हमें बाबा को बहुत यूज करना है, बाबा की मदद भी लेनी है। वो हमारा है तो उस पर हमारा अधिकार है। अधिकार की बात थी ना कल मुरली में, संडे को, अधिकार। किस किस पे अधिकार है? उसके सबसे पहली चीज जो ब्राह्मणों के ख्यालों में बहुत बहुत कम रहती है, किस पे अधिकार? भगवान पे अधिकार, बाबा पे अधिकार रहती है या नहीं? नहीं रहती, क्योंकि भक्ति में भगवान कहते आए ना, हाथ जोड़े खड़े हैं, सिर झुकाए, दास भाव, दास्य भाव कहते हैं भक्ति में। और इसको ही महानता समझते आए हम सब। उसने हमें याद दिलाया, मैं तुम्हारा हूँ, तुम चरणों की धूल नहीं, क्या हो? बोलो क्या हो? नैनों के नूर, सिर के ताज हो। अब कोई बच्चा अपने माँ बाप को कहता है कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ? किसने कहा? हमने कहा था क्या अपने माँ बाप को? कभी नहीं। नाता जब ये गहरा जुड़ जाता है, वो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार, इस बात को फील भी करना है, स्वीकार भी करना है, और अधिकार से उसको बुलाना भी है, उसकी मदद भी लेनी है। अधिकार है उस पर, वो आया ही है। बोलो किस लिए? हाँ बोलो बोलो, आप सब जानते हैं, वो आया ही है। पहले हमें पावन बनाने के लिए। सोचो किस किस लिए आया है? हमारे सभी दुख मिटाने के लिए। वो बड़ी चीजें भी है, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। पर यहाँ वो हर समय हमें मदद देने को तैयार रहता है। ये बात सभी अपने चित्त में समा लें। तो भगवान पे अधिकार, उसके वर्षे पर अधिकार, जो कुछ उसके पास है वो बोलो हमारा, जो कुछ उसके पास है वो सब हमारा, हमारे लिए। चाहे वो सर्वशक्तिवान है तो उसकी शक्तियाँ वो किसे देगा? उसको यूज ही नहीं करनी है ना कहीं अपनी शक्तियाँ, वो हमें देता है और हमारे द्वारा यूज कराता है। वो सृष्टि का परिवर्तन अपनी शिव शक्ति सेना द्वारा कराता है, उनको शक्तियां दे देता है। तो
उनकी शक्तियों पर भी हमारा अधिकार, अब गिनते चलो, भगवान पर अधिकार, उसके वर्षे पर अधिकार, उसकी शक्तियों पर अधिकार, आगे चले और उसके प्यार पर भी, खजानों पर भी, उसके वरदानों पर अधिकार, जो बहुत काम की चीज हैं। उसके पास सर्व खजाने हैं, वो हमारे हैं, अधिकार हो गया हमारा। सुख शांति पर भी हमारा अधिकार, उसके संपूर्ण प्रेम पर भी हमारा अधिकार। माँ बाप का प्यार किसके लिए होता है, बोलो, किसके लिए होता है? सारा बच्चों के लिए। अपने को भी नहीं देते प्यार, क्या विचार है माताओं को? अपने को भी नहीं, अपने को कष्ट भी देते रहते हैं बच्चों के लिए। सब कुछ बच्चों के लिए, माँ बाप बच्चों पर, बोलो शब्द, कुर्बान रहते हैं या नहीं? मुझे पता नहीं, आपको पता है, रहते हैं कुर्बान? तो हमारा मात पिता भी तो हम पे कुर्बान रहता होगा। वो किसी को भी, हम में से किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता। वो सोचता होगा ना, मेरे होते हुए ये दुखे। चिंतन करो सभी, मैं सबको विघ्नों से मुक्त करने वाला, ये मेरे होते हुए विघ्नों में, मैं सबके बोझ हरने वाला, मेरे होते हुए ये बोझिल रहते हैं। मैं सुखों का सागर, ये सुखों में नहीं रहते हैं। सोचो, सोचता होगा ना, मैं इनको क्या बनाने आया हूँ, इनको पता नहीं रहता। और ये फिर उलझ जाते हैं, कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं बताओ? माताएं कहाँ उलझती हैं? पुरानी दुनिया में। अच्छा, माया के जाल में, बड़ा भारी जाल फेंका है माया ने। बातों से स्वयं को मुक्त रखना है। थोड़ा माताओं को मैं ध्यान दिलाता हूँ, माताओं के पास ज़्यादा ही बातें होती हैं। थोड़ा दो मिल जाएं तो एक घंटा तो कम से कम चाहिए खाली होने के लिए। अब खाली तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भरना पड़ेगा उसे, तो फिर कहीं और सुनेंगे तब तो भरेगा ना, तो गड़बड़ हो जाती है, फिर योग नहीं लगता है। इसलिए जो बातों से मुक्त रहते हैं वही योग युक्त हो सकते हैं। मैं देख रहा था, मैं तो घूमता हूँ शाम को एकांत, मुझे घूमने में योग में बड़ा मज़ा आता है। दो बहनें फुल टाइम, योग का टाइम फुल टाइम बैठी हैं, बातें ख़त्म नहीं हुई उनकी। मैं तो आ गया, 7:30 का गीत बज गया, उनकी बातें चालू ही थी। इससे क्या होता है, इससे एक और बड़ा नुकसान होता है, उसको भी हमें जानना चाहिए। बाबा की नज़र हमसे हट जाती है। आप भी अपने बच्चों में से किसको ज़्यादा प्यार करते हैं पता है ना? प्यार तो सबसे रहता है, पर जो आज्ञाकारी हैं, जो बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, जिनके कारण आपका भी नाम रोशन हो रहा हो, उन पे विशेष प्यार रहेगा ही ना, ऑटोमेटिक। बाबा की जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उनसे बाबा की दृष्टि हट ही जाती है ऑटोमेटिकली। उन पे जाएगी ना जो उसका बहुत कार्य कर रहे हैं, जो उसके लिए कुर्बान है। तो हमें बाबा को यूज करना है अधिकार से। ये बात नई नहीं है, पर रोज रोज सुनने और सुनाने की है कि कुछ भी बात आ जाए, पहला फोन किसको करेंगे? है क्या नंबर आपके मोबाइल में सेव किया है? पहला फोन शिव बाबा को ही होना चाहिए। अर्थात बुद्धि उधर जाए, मदद भी चाहिए तो उसको कहेंगे,
नीचे वाले तो बाद में उसको ही कहेंगे। मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, यहाँ एक बात फिर सुना देता हूँ आपको। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी ना, तभी उनकी मैरिज हुई थी, फिर युद्ध होने लगा। द्रौपदी गई उसके पास, उत्तरा ने पूछा कि माता आप मुझे कोई विशेष शिक्षा दो आज, तो कहा कोई भी मुश्किल आए सबसे पहले श्री कृष्ण को याद करना। कहा मैंने गलती की थी, जब चीरहरण मेरा होने लगा तो मैं औरों के पास पहुंची मदद के लिए, हाथ जोड़े भीख मांगी, लास्ट में श्री कृष्ण को याद किया, पहले ही याद कर लेती तो तुम ये गलती ना करना। तो उत्तरा को याद था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा, तब उसने तुरंत श्री कृष्ण को याद किया, उन्हें आह्वान किया और खेल बदल गया। हम भी आदत डाल लें, पहली दृष्टि पहला संकल्प ऊपर ही जाए, ये सच्चा प्यार है, ये सच्ची लगन है हमारी, ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमने उसको पहचाना है जो हमें निरंतर मदद देने को तैयार है। दूसरी बात, तो अधिकार की बात को अपने जीवन में जरा समा के चलेंगे सभी। हमें बाबा से कुछ ना कुछ अच्छा वरदान लेना ही है। एक तो मुरलियों में रोज वरदान आते हैं, वो अलग बात है, वो केवल ज्ञान है। वरदान जो हमारे और दूसरों के काम आए, अब भी और आगे चलकर भी, क्योंकि समय कुछ और आ रहा है। आ रहा है या नहीं, ऐसे ही चलेगा संसार, बदलेगा तो खेल ना, टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मैं भी सुनता रहता हूँ, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ बाहर, कि 5 अप्रैल से ये होने लगेगा, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो आ गया ना, गांधी जयंती है ना, कि 2 अक्टूबर से ये होगा, सावधान हो जाओ सभी। वो तो अपना चैनल चलाने के लिए भी जोरदार कर देते हैं, हेडिंग इतना सुंदर डालते हैं, इसराइल लेबनान पर एटम बम डाल दिया है, लेबनान ख़त्म, वहाँ कुछ भी नहीं अंदर। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन युग तो बदलेगा ही, क्योंकि सबके अंदर ये विचार, ये संस्कार, ये फीलिंग्स आ रही हैं कि अब युग बदलेगा, ये संसार का खेल अब बदलेगा, और इसके परिवर्तन की प्रक्रिया भारी होगी, हल्की नहीं होगी, बहुत भारी होगी। बाबा के सब शब्द हमने सुने हैं, देख भी नहीं सकेंगे उस काल को, देखना भी क्या कहते हैं बाबा, मासी का घर नहीं है, बहुत विकराल समय वो होगा। अगर हमें आदत पड़ी होगी बाबा के आह्वान की, बाबा को बुलाने की, तो हमें बहुत सारी मदद का आभास होगा। एक बात लोग आजकल और कह रहे हैं, मैं कई बार सुन चुका हूँ, कि चारों जो धाम हैं, चारों तीर्थ समाप्त होने जा रहे हैं, लोप होने जा रहे हैं, ये युग परिवर्तन का बड़ा स्वरूप होगा संसार में। तो आने वाले समय में हमें अपने को, अपने परिवार को और दूसरों को बहुत मदद करनी होगी। करेंगे मदद या नहीं, चिंतन किया करें। हमने लंबा काल अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिताया है, सभी बिताते हैं, हर जन्म में बिताते हैं, लेकिन अब अंतिम जन्म का भी जो अंतिम काल आ गया है, इसमें हम संसार को देने वाले बन जाएं, बहुत कुछ देना होगा हमें। बाबा ने जो कुछ मुरलियों में कहा है, अगर उन सब को हम याद करें, तो वो ये है
कि तुम्हारे भक्त प्यासी नजरों से तुम्हारी ओर देखेंगे, तुम्हें सबको सकास देखकर उनके दुख हरने होंगे, मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। बाबा के सब तो थोड़े भारी हैं, वो मैं नहीं कहता, मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। डिप्रेशन संसार में बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, डर भी बढ़ रहा है, बहुत कुछ बढ़ेगा। हमें वाइब्रेशंस देखकर सभी को विघ्नों से मुक्त करना पड़ेगा। सबने बाबा के ये महावाक्य सुने हैं बार बार, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, सुना है ना? हम भी दुखी ना हों और हम दूसरों के दुख निवारण कर सकें, हमें सोचना है। हम भी दुखी ना हों, तैयार करें अपने को। दुख बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास आता है वही उसे भुगतता है, वही उससे पार होता है, दूसरों को तो पता नहीं चलता। दुख तो बढ़ता जा रहा है, हम दुखों के इस काल में दुखी ना हों। क्या याद रखना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, बोलो भाई, लोग बताएंगे, बोलो। ठीक ठीक बोले, बोलो और बोलो। देखिए, एक संकल्प की बात होती है, संकल्प मनुष्य को दुखी करता है, संकल्प ही दुखों को हल्का कर देता है। किस किस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, किस किस चीज के लिए, एक बड़ी बात है और बाबा के लिए तो बहुत छोटी सी है। घर जाने के लिए खुशी होती है घर जाने की या नहीं, देख लो, मैं आगे पूछूंगा। आपसे पहले आपके बच्चे चले जाएं घर, बोलो, थोड़ा भारी प्रश्न है ये, और आपके प्रियजन घर चले जाएं आपको छोड़ के, तो रोएंगे, दुखी होंगे, इधर बहुत बुरा इफेक्ट होगा, बाबा को भी गाली देंगे, ये आपने क्या कर दिया। देते हैं लोग, हम मेरे पास आते हैं ना, सारी शिकायत बाबा की, हमने आपके लिए इतना किया था, आपने ये क्या कर दिया। बाबा चुपचाप कहता है, तुमने तो कहा था घर ले चलो, तुमसे पहले इसको ले गया हूँ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, चिंता ना करो। तैयार रहेंगे किसके लिए, ये सृष्टि खाली होनी ही है या यही रहेगी तमो प्रधान दुनिया, पाप की दुनिया। सब तो कहते आए ना भारत में, धरती माँ भी पाप के बोझ से दबती जा रही है। बाबा भी कहा करते हैं ना, प्रकृति भी मेरे पास आती है, ऑर्डर दो मैं तैयार हूँ, समय भी मेरे पास आता है, और तीसरा कौन आता है, हैं, माया, कि मैं तो विदाई चाहती हूँ, यही मुझे छोड़ते नहीं। देखो बाबा की लैंग्वेज भी कितनी अच्छी होती है, ये नहीं कहता तुम माया के वश हो जाते हो, माया मेरे पास आती है, कहती है मैं तो विदाई चाहती हूँ, समय आ गया मेरा, लेकिन ये मेरा बार बार आह्वान करते हैं। तो बाबा का ये सुंदर तरीका पढ़ाने का, हमें मुक्त करने का, हमें अपने को तैयार करना है। कौन दुखी नहीं होंगे, जो इन चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे। देखो, एक ही दुख में, एक ही घटना में एक व्यक्ति बहुत दुखी है, बेहोश हो गया, मानसिक रूप से बहुत बहुत बेकार स्थिति कर ली है, और वही व्यक्ति एक संकल्प कर रहा है, यही तो होना है, जो हो रहा है, बोलो, वही तो होना है। यह हमारे कहने से नहीं होगा,
या हम चाहेंगे कि ये तमो प्रधान दुनिया, दुखों की दुनिया ऐसे ही चलती रहे, दुखी होते रहें सब। बाबा इस आकार में बहुत कहते थे, तुमने ही तो बुलाया था, याद है, याद दिला दूँ बाबा के मावा, मैं महाकाल हूँ, तुमने महाकाल को बुलाया था, तो महाकाल आएगा तो क्या करेगा, टोली खिलाएगा, वो भी खिलाता है लेकिन ले भी तो जाएगा। तो हम उन चीजों को स्वीकार करें जो अब होनी हैं, सब अपने को मन से तैयार करें स्वीकार, वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब वो होगा जो कल पहले हुआ था, अब वो होगा जो ड्रामा की प्लानिंग है, अब वो होगा जिससे ये युग बदल जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते ना, अभी रात हो गई, क्यों हो गई रात, अंधेरी रात हो गई, 12-1 बज गया, क्यों हो गई, फिर सवेरे आने लगा, क्यों आने लगा, ये तो हम नहीं कहेंगे, हमें तो सोना था और 8 घंटे और सोना था, ये सवेरा क्यों हो गया, ये तो नहीं कहेंगे ना, ये तो चक्र है, चलेगा ही, समय चक्र को कोई रोक नहीं सकता। तो सभी अपनी तैयारी करें, हम किसी भी घटना दुर्घटना में दुखी नहीं होंगे। बाबा जब साकार में थे और यज्ञ रचा गया तो बाबा बहनों को, छोटे छोटों को बहुत तैयार करते थे, भिन्न भिन्न सीन बनवाया करते थे, ये सीन सामने देखो, तुम्हारी क्या मनोस्थिति होगी अगर ये होने लगे, तैयार करते थे, रोगे तो नहीं, दुखी तो नहीं होंगे, तो खेल बदलेगा, सबको जाना होगा, कोई रोके जाए हंसते हुए जाए, खाली हाथ जाए भरपूर होकर जाए, देता हुआ जाए या मांगता हुआ जाए, रोता हुआ जाए या हंसते हुए जाए, जाना सबको होगा, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, थोड़ा आगे पीछे, वही भारी पड़ेगा, वही भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा, इसलिए हमें स्वीकार करना है इस ज्ञान को जानकर, क्योंकि सभी के कर्मों के हिसाब किताब भी तो अलग अलग है, और पूरे होने ही है ना, उनको लेके तो कोई घर नहीं जा सकता, आत्मा स्वच्छ होकर ही घर जाएगी। इसलिए जिसके साथ जो कुछ होगा वो उसके कर्मों का खेल समाप्त करने के लिए होगा, कर्मों के खाते को जला देने के लिए होगा। तो ये सब होगा, हम इसे स्वीकार करें, सभी भाई बहनें अपने को तैयार करें, जो कुछ होने जा रहा है उसमें हम दुखी नहीं होंगे, साक्षी होकर रहेंगे, और दूसरों को दुख मिटाने के लिए, दूसरों के दुख क्या चाहिए, हमारे अंदर लंबे काल का भरा हुआ सुख जो हमारे वाइब्रेशन से फैलेगा, हमारे पास लंबे काल की समाई हुई शक्तियाँ जो सुखों को और प्रभावकारी बनाएगी, दुखों के वेग को धीमा करेगी, नष्ट करेगी। हमारे पास बाबा के वरदान और दुआएं बहुत बड़ी चीज होती हैं जीवन में, दुआएं, जिसने दुआएं ली हैं उसका मार्ग सरल हो जाता है, जिसने दुआएं नहीं ली हैं, मांगी तो नहीं थी पर काम ऐसे कर दिए कि बद्दुआएं मिलने लगी, बहुत बच्चों को माँ बाप की बद्दुआएं मिलती रहती हैं जब वो बुरा व्यवहार करते हैं, हमने देखा बहुत केस देखे, युवक जो सफल नहीं होते, मैं उनसे पूछा करता हूँ डिटेल उनका जीवन, पता चलता है उनके साथ उनके माँ बाप की दुआएं नहीं हैं। तो सफलता के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, सभी अपने श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ व्यवहार से, श्रेष्ठ बोल से, दूसरों को सुख देते हुए,
दुआओं के पात्र बने। ठीक बात है ना, दुआओं के पात्र। दुआएं कोई मांगी नहीं जाती, लोग तो भगवान से दुआएं मांगते हैं, मांगने से दुआएं नहीं मिलती। कर्म ऐसे हों, हम आज्ञाकारी ऐसे बने, हम उसके महान कार्यों को संपन्न ऐसा करें, हम उसके यज्ञ को निर्विघ्न बनाएं, तो उसकी दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी। और जो उसके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हों, कई डाल रहे हैं, इधर उधर कहते हैं, आप सब सुनते ही हो, मेरे में बाबा आता है, आता है, लोग उदाहरण दे देते हैं, बाबा ने भी तो कहा है, कोई कमज़ोर बच्चा हो, समझने वाला VIP आ गया हो, मैं उसमें प्रवेश करके दे देता हूँ ज्ञान। बाबा को प्रवेश करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, उसकी बुद्धि को वहीं से कंट्रोल करके उसके मुख से कुछ भी बुलवा सकता है। तो लोग सोचते हैं किसी कमज़ोर व्यक्ति के तन में आके ज्ञान दे सकता है, तो इधर क्यों नहीं आ सकता। भगवान को रथ कैसा चाहिए ज्ञान देने के लिए, ब्रह्मा जैसा, श्री कृष्ण जैसा, ऐसे वैसे के तन में आ जाए। सुनते हैं ना, फलाने होटल में बाबा आएगा आज, फलाने सेठ के घर आएगा आज, सेठों के घर भगवान आया करता है। जो पवित्र नहीं है, कोई नियम ही नहीं, कोई भी आओ मिल लो भाई, आ जाओ, भगवान आया हुआ होगा मिलन, होगा ही नहीं। ये बहकाने वाले, यज्ञ में विघ्न डालने वाले, ऐसे लोग बहुत पैदा हो गए, कई हो जाते हैं। हम तो शुरू से देखते आए, कोई ना कोई निकलता ही रहता है मेरे अंदर, लोग कहते हैं इसके अंदर भगवान आता है। बाबा के समय में यूपी में एक रिक्शा चालक था, ज्ञान में आया, शुरू हो गया, इसके तन में बाबा आता है। थोड़े लोग उधर भाग गए, माउंट आबू जाना पड़ता है बाबा से मिलने के लिए, इधर ही आ रहा है, 5 रुपये भी नहीं लगते टिकट। ये आत्माएं होती हैं, कोई भी आत्मा आके कह देती है मैं बाबा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव देखे हैं लोगों के, कुछ दिन के बाद कहने लगते मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तो भोग खाने के लिए कहा था। ये कई केस हो गए हैं। तो कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किस चीज़ के लिए अपने को बाबा कह देते हैं। बाबा एक महान हस्ती के तन में ही आ सकता है, जिसके पास प्योरिटी का संपूर्ण बल हो, उसके तन में ही आ सकता है। सच तो यही है कि शिव बाबा केवल अश्रत्नों को ही चुनता है, अपने माध्यम बनाता है, बाकी नहीं। बाकी जो कहते हैं वो सब गड़बड़ है। कोई भी आत्मा है और कह देती है मैं बाबा हूँ, तो ज्ञान सुनी हुई आत्मा, ज्ञानी आत्मा चल जाए तो ज्ञान तो सुनाएगी ही। लोग समझते हैं ब्राह्मण आ गए बाबा, चलो, कोई धारणा की भी ज़रूरत नहीं, किसी भी होटल में बाबा आ जाएगा मिलने, चलो। उन्हें ये भूल जाता है कि जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ नॉन वेज खाया जाता हो, वहाँ भगवान आएगा, देखेगा भी नहीं उधर। तो कोई भी इस बहकावे में नहीं आ जाए। अब हमें बाबा से दूसरों के दुख हरने के लिए वरदान लेने हैं। कौन कौन चाहेंगे वरदान लेना? एक दूसरे को देख के उठाए, आप ही उठाए। किन को मिलेगा वरदान? आज्ञाकारी। और किस आधार पे मिलता है वरदान? प्यार के आधार पे। भगवान राजी हो तो वरदान दे देता है। तो कोई एक वरदान चुन लेना चाहिए। मैं सिंपल विधि आपके सामने रख रहा हूँ, 7 दिन तक 11 दिन तक उस वरदान को प्राप्त करें, दिन में उसके अनुभव करें। जैसे हमें वरदान लेना हो कि जिसको भी हम दृष्टि दें और संकल्प करें कि इसके दुख समाप्त हो जाएं, उसके दुख समाप्त होने लगें, हमें ये वरदान चाहिए।
हमें वरदान चाहिए, जिसको भी हम दृष्टि दें, संकल्प करें इसके विघ्न नष्ट हो जाएं, उसके विघ्न नष्ट होने लगें। हमें यह वरदान चाहिए, जिसे भी हम दृष्टि दें, संकल्प करें इसके रोग समाप्त हो जाएं, उसके रोग मिटने लगें। इनको वरदान कहते हैं। हमें यह वरदान चाहिए, जिसे भी हम दृष्टि दें, संकल्प करें, दृष्टि और संकल्प ही होगा, इसका चित्त स्थिर हो जाए, ये श्रेष्ठ योगी बन जाए, वही होने लगे। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो मारामारी चालू है, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ये बातों को शुरू हो गया है और तंग कर रहा है। बताते हैं लोग, हम चाहते नहीं हैं पर सोच ही रहे हैं, अति ओवर थिंकिंग इसे कहते हैं, ज़्यादा सोचना। तो वरदान कैसे लेंगे? बहुत अच्छा योग करना होगा। सवेरे और शाम दो अमृत वेले होते हैं हमारे लिए। सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने जाएंगे, बाप दादा का चित्र देखेंगे, सूक्ष्म लोक का चित्र बनाएंगे और फील करेंगे मैं वहाँ हूँ। बाबा सामने कमलासन पर विराजमान हैं, बाप दादा दोनों, बहुत दिव्य आभा चारों ओर फैली हुई है। बाबा का ये स्वरूप देखेंगे, मस्तक में महाज्योति चमक रही है। अब संकल्प करें, मुझे बाबा से ये वरदान लेना है। एक चुनेंगे, बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और जो वरदान हमने चाहा था वो दे दिया और हमारे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया। कुछ क्षण इस गुड फीलिंग में रहेंगे, स्वीकार करेंगे भोलेनाथ से, परम सदगुरु से, मुझे ये वरदान मिल गया है, अब इसका चाहिए नशा। स्वीकार, ये वरदान मिल गया है, पता नहीं मिला या नहीं मिला, हम तो ऐसे ही किया था, उन्हें दिया भी, इसका क्या प्रूफ, जो ज़्यादा बुद्धिमान है वो ज़्यादा सोचते हैं ना, क्या कैसे समझे हमें मिल गया, जो ये सोचते हैं उनका मिला हुआ भी खत्म हो जाता है। मिल गया, स्वीकार करना। अब दिन में आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है, आते ही हैं, दुख बढ़ रहा है दुनिया में, आप याद करें, मुझे बाबा से वरदान मिला है, तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो। इस अच्छे नशे में आ जाएं, ये वरदान मिल गया है बाबा से मुझे, उसे दृष्टि दें, संकल्प करें इसके दुख समाप्त हो जाएं। उसे भी कह दें, दृष्टि लो और संकल्प करो मेरे दुख अब समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा ज्ञान दे दो, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, वो सुखों का सागर है, तुम भी याद करो मैं बहुत सुखी हूँ, कम होने लगेगा। इसका यूज करेंगे रोज, 7 दिन तक कम से कम ये वरदान लेंगे, जब तक नशा चढ़ जाए कि मुझे ये वरदान मिल गया है, मेरे पास परम सदगुरु का ये वरदान है। क्लियर है माताओं को भी? अब जो भी लेना चाहे लेना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सवेरे का योग बहुत अच्छा हो, और अच्छा योग उसका ही होता है सवेरे, किसका? जिसे हमको योग करते हैं। ठीक है, ये बात भी ठीक है, और बोलो, अच्छा योग किसका होता है? जो सारा दिन व्यक्त भाव से दूर, व्यर्थ बातों से दूर, कुछ ना कुछ अभ्यास चलता रहे, तभी तो एकाग्रता होगी ना सवेरे। नहीं तो बाबा के महावाक्य हैं, जो बच्चे सारा दिन
अलबेले रहते हैं, कुछ नहीं अभ्यास करते, माया अगले दिन सवेरे उनसे बदला लेती है। उठ तो गए लेकिन सुला देगी। फिर कहते हैं हमें तो योग में नींद आती है, या अनुभव होने नहीं देगी, बैठे रहेंगे आँख खोल के ऐसे ही। इसलिए सारा दिन भी कुछ अच्छा अभ्यास चलता रहे। हमारे सरल सरल अभ्यास हैं, कुछ आपकी समझ में ना आए, मैं आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, छोटी बातें हैं ना, लेकिन अभ्यास से यही बातें बहुत बड़ी लगेंगी, सुंदर, कि हमारे पास एक बहुत विशाल चीज है। स्वमान ले ले एक दो तीन, उनका अभ्यास कर लो इसके साथ साथ, तो सारा दिन मन की स्पीड धीमी रहेगी। मन जो बहुत तेज दौड़ता है, मन जो छोटी छोटी बातों के प्रभाव में आकर भटकता है, जो कुछ सुनते हैं उसके प्रभाव से इधर उधर तेज दौड़ता है, वो नहीं दौड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है कि मनुष्य अपने मन को व्यर्थ दौड़ने से बचा दे, ये बुद्धिमानी है। एक ज्ञानी आत्मा की पहचान है। इन वरदानों के लिए मैं दो बाबा के महावाक्य आपको याद दिला देता हूँ, बहुत प्रिय लगे थे मुझे। जब बाबा ने कहे, बहुत साल पहले की मुरली में है, वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। सवेरे उठ के वरदान ले लो, जीवन समस्याओं से मुक्त है, निर्विघ्न है मेरा जीवन, मेरा परिवार समस्याओं से मुक्त। समस्या आ गई, ये वरदान याद करो, समस्याएं नष्ट होती नजर आएंगी। एक बात, वरदानों में शक्ति है आग को भी, बोलो, पानी जैसा शीतल कर देने की। दूसरी बात, वो बहुत गहरी है, किसे वरदान मिलेंगे? जो आत्माएं लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि ही वरदानों को धारण करती है। लंबा समय ईश्वरीय नशे में, स्वमान भी है लेकिन ईश्वरीय नशा उससे पहली चीज है। कौन मिला है इस जीवन में ये ईश्वरीय नशा? कौन पढ़ाने आता है मुझे? किसने मेरा हाथ पकड़ा है? कौन मुझे साथ दे रहा है? ये नशे, ये बहुत जरूरी हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को ईश्वरीय नशे के द्वारा योग्य बनाएंगे वरदानों को धारण करने के लिए। हमारी ये बुद्धि ही धारणा शक्ति है। सब कुछ धारण कहाँ होता है? बुद्धि में। शक्तियाँ भी, प्योरिटी भी, ज्ञान भी, और सारे गुण, सारा ज्ञान, सब धारण बुद्धि में ही होता है। अगर हमारी बुद्धि कमज़ोर है तो वो धारण होगा और निकलता जाएगा। तो ईश्वरीय नशों की एक लिस्ट बना लें। ब्रह्मा बाबा का नशा बहुत जबरदस्त था, उससे ही हम सीखते हैं। मामा का भी था, लेकिन मामा अपने को गुप्त रखती थी, बाबा मुरलियों में सुनाते थे, क्या बनने वाला हूँ। रात्रि क्लास 68 की बहुत पावरफुल होती थी नशे की। एक बार बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें इतना नशा होना चाहिए दिमाग की नशे फट जाएं। का फटेंगे तो मर ही जाएगा, नशे वाला ही नहीं रहेगा। नशा, अथाह नशा होना चाहिए। दूसरी बार कहा, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है, वश में आ गया है। ये भी एक दूसरी बात है, भगवान हमारे वश में। भक्ति में तो गाया था ना, भक्तों के वश में भगवान होते आए हैं, सदा ही होते आए। अब बच्चों के वश में भी तो होंगे ना, लेकिन वश करने की बात है प्यार और
नहीं, माताओं का विषय है वो, प्यार और प्यार और अधिकार भी है, लेकिन भावनाएं, भावनाओं का बड़ा महत्व होता है ना। भावनाओं में और कुछ चीज भी पीछे छूट जाती है। कईयों को भावना रहती है, बाबा तो मेरा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, केवल भावना, योग भी नहीं है, लेकिन उस भावना से ही उनको कुछ भी नहीं होता। भावना का प्रभाव भी, इसको विश्वास भी कहेंगे, बहुत ज़्यादा विश्वास और बाबा में भावनाएं, इसका बड़ा भारी परिणाम हमें चारों ओर देखने में आता है। तो आने वाले समय के लिए अपने को बहुत अच्छी तरह से सबको तैयार करना है। आज विचार कर लेंगे, मुझे बाबा से कोई ना कोई वरदान लेना है दूसरों को मदद करने के लिए। और जब दूसरों को मदद करते हैं, आप दूसरों के विघ्न हरने लगे तो आपका परिवार निर्विघ्न रहेगा ही। दूसरों को सुख देने लगे तो परिवार सुखी रहेगा ही। सबको याद रहे लास्ट बात, हमारी स्थिति का फल पूरे परिवार तक भी जाता है। आप पुण्य कर रहे हैं, आपके परिवार भी सुखी होंगे। आप बाबा की बहुत अच्छी सेवा, योग, उसके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, इसका पुण्य आपके परिवार को भी जाएगा। माताएं कर रही हैं ना यहाँ सेवा, इसका पुण्य आपके परिवार को भी जाता है। तो वरदान लेंगे, पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे। ओम शांति।